हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोस गैलरी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्सटेकल्स टू क्योर क्योर के पाथ में कौन कौन सी चीज़ें होती है जो ऑब्स्टेकल्स की तरह काम करती है जो क्योर को ठीक से नहीं होने देती है सो लेट्स सी तो देयर आर सम फैक्टर्स दैट हाइंडर क्योर बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्ली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन इनस्पाइट सुटेबल डोज एंड प्रॉपर रिपीटेशन तो क्या होता है कि प्रॉपरली प्रस्क्राइब मेडिसिन दे रहे हैं हम सुटेबल डोज भी दे रहे हैं और प्रॉपर रिपीटेशन भी कर रहे हैं बट इन स्पाइट ऑफ दैट बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्योर को रोकते हैं हाइंडर करते हैं बाई ऑब्स्ट्रक्टिंग द इफ़ेक्ट ऑफ प्रॉपर्ली प्रेसक्राइब मेडिसिन मतलब कि जो प्रॉपर्ली प्रेस्क्राइब मेडिसिन है सुटेबल डोज दिए हैं प्रॉपरली रिपीट कर रहे हैं लेकिन उसके इफ़ेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है उसके असर को रोक देता है और क्योर को हाइंडर कर देता है क्योर नहीं होने देता है वैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं और उन्हें ही ऑब्स्टेकल्स टू क्योर कहते हैं so, तो द फिजिशियन हैज़ टू नो वॉट आर द ऑबस्टेकल्स टू क्योर इन ईच पार्टिकुलर केस तो इसीलिए एक फिजिशियन को ये जानना होगा कि हर एक पर्टिकुलर केस में क्या ऑब्स्टिकल्स है क्या ऑब्स्टेकल्स की तरह काम कर रहे हैं तो ये नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर होना चाहिए और ये एफोरिज्म नंबर थ्री में भी डिस्कस किया गया है और अगर आपने एफ़ोरिज्म नंबर थ्री नहीं देखा है तो आई लिंक पे आप देख सकते हैं एफोरिज्म नंबर थ्री शुड आल्सो नो हाउ टू रिमूव देम हाउ टू रिमूव दिज ऑब्स्टेकल्स इन ऑर्डर टू मेक द क्योर परमानेंट और उसे ये पता होना चाहिए कि इन ऑब्स्टेकल्स को कैसे रिमूव करना है ताकि क्योर को परमानेंट बनाया जा सके द ऑब्स्टिकल्स टू क्योर मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स अब जो ऑब्स्टिकल्स टू क्योर होते हैं वो ये फॉलोइंग टाइप्स ये तीन टाइप्स के हो सकते हैं फर्स्ट है एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज दूसरा है मायज कॉज और तीसरा है पैथोलॉजिकल कॉज तो एक एक करके हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा तो एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज में क्या क्या हो सकता है तो हो सकता है डाइट में एरर हो हाइजीनिक uh, प्रॉब्लम हो कुछ और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो या तो हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है या बहुत कम खा रहा है और उसका इन्वायरमेंट सही नहीं है उसके लिए उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रहा है जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं लाइफ के लिए वो चीज़ उसे उस चीज़ उन चीज़ों से वो लैक कर रहा है हो सकता है वो मारसी एरिया में हो बहुत अन हो और एक्सटर्नल uh, कुछ हो सकते हैं जैसे रेन वगैरह हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं मेंटल और फिज़िकल इन्फ्लुंस हो सकते हैं तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मेंटेनिंग कॉज या एक्साइटिंग कॉज की तरह काम करेगा जैसे कि पेशेंट है उसके आइज़ में इंफ्लामेशन हो गया है उसको मेडिसिन दे रहे हैं प्रॉपरली ठीक नहीं हो रहा है बाद में पता चलता है कि उसके आई में जो जो पार्टिकल घुस गया था जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई उसको बस जस्ट हटा दिया गया तो बस पेशेंट ठीक हो गया कोई स्ट्रांग स्मेलिंग स्ट्रांग स्मेलिंग फ्लावर वाला रूम है उस पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उस डिज उसके डिजीज कंडीशन आ रहे हैं उसको प्रॉपर मेडिसिन दिए सब कुछ दिए बट ठीक नहीं हो रहा है तो जब उसे उस रूम से बाहर किया गया उस रूम में जो वो एक्सपोज था उससे निकाला गया उसे सही इन्वामेंट में लाया गया तब देख रहे पेशेंट में ठीक पेशेंट में सुधार आने लगा तो ये था मेंटेनिंग कॉज साइटिंग या मेंटेनिंग कॉस्ट भी एज एन ऑब्स्टिकल टू क्योर काम कर सकता है अगर प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर डोज प्रॉपर रिबिटेशन इन सब के बावजूद अगर क्योर नहीं हो रहा है तो हमें इस और भी थोड़ा नज़र डालना होगा और एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि एक पेशेंट है क्रॉनिक डायरिया से सफ़र कर रहा है सुटेबल डोज में उसको एकदम सही मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन जब उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है और जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया तो हमें यह पता चला कि पेशेंट के डाइट में ही प्रॉब्लम है वो पेशेंट डायरिया होने के बावजूद भी वैसे डाइट ले रहा है जो उसके लिए उस केस में सुटेबल नहीं है रिच डाइट ले रहा है तो कोई भी मेडिसिन दे कितना भी अच्छा मेडिसिन सेलेक्ट करके दे कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक कि हम उसके डाइट एरर को ठीक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायटेटिक एरर एज एन ऑब्स्टिकल टू क्योर काम कर रहा है और जैसे ही हमने डायटेटिक एरर को दूर किया सही डाइट ले रहा है और फिर वो मेडिसिन भी चल रहा है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेशेंट Osionfish. उसके बाद दूसरा ऑब्स्टिकल टू क्योर माइजमेटिक भी हो सकता है माइजमेटिक कॉज जैसे कि कोई क्रॉनिक कोई माइजमेटिक डिजीज चल रहा है और हम उसको सही मेडिसिन एकदम दे रहे हैं चुन करके लेकिन हम उसको एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं प्रॉपर एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं अगर वो सोरिक माइज़म का है हम उसको एंटी सोरिक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं मेडिसिन सेलेक्ट सही किया है लेकिन माइज़म ही सही नहीं है तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता ये ऑब्स्टिकल की तरह काम कर जा रहा है यहाँ पे माइजम तो अगर हमें उसे क्योर करना है तो फिर उसे प्रॉपर एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट देना होगा तीसरा ऑब्स्टिकल पैथोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है जैसे कि आ, कोई किसी पेशेंट को डिजीज हो गया है डिजीज डिजीज़ क्या होता है मॉर्बिड फंक्शनिंग ऑफ वाइटल फोर्स वाइटल फोर्स एबनॉर्मली काम करेगा और अगर ये प्रोसेस चलता रहा अनचेक्ड चलता रहा तो फिर जो टिश्यू है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आते जाएंगे और बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होंगे टिश्यू में वो दो तरह के हो सकते हैं हो सकता है रिवर्सिबल हो कुछ टाइम में वापस से ठीक हो जाए या फिर इ अब वापस से वो स्ट्रक्चर चेंज ठीक कभी नहीं होंगे ये भी हो सकता है तो अगर इ रिवर्सिबल चेंजेस हो गए तो फिर हम कितना भी अच्छा मेडिसिन दें तो वो ठीक होगा ही नहीं पेशेंट की और होगा ही नहीं तो यहाँ पे इरिवर्सिबल टिश्यू चेंजेस ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा है तो ऑब्स्टिकल टू क्योर एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज भी हो सकते हैं माइजमेटिक भी हो सकते हैं पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं तो इसीलिए फिजिशियन के लिए ज़रूरी है कि उसे अच्छा नॉलेज साउंड नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों का एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज का माइजम्स का पैथोलॉजी का ये सब का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और उसे पता होना चाहिए कि कैसे इन ऑबस्टिकल्स को रिमूव करना है ताकि क्योर परमानेंट हो सके तो यही था ऑबस्टिकल्स ऑफ क्योर सो थैंक्स एवरी वन फॉर वॉचिंग माई वीडियो